अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ 24/7 में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की ताज़ा ख़बर ये है कि मोबाइल फ़ोन्स को कोरोना वायरस फैलने का ख़दशा है। माहिरीन ने लोगों को अवामी मकामात पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करने का मशवरा दिया है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर के साइंसदान कोरोना वायरस पर दिन रात तहकीक कर रहे हैं। ताहाल इसकी वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी। ताहम इब्तिदा में बताया गया है कि कोरोना वायरस की अलामत खांसी, बुखार या नज़ला ज़ुकाम है। इसके बाद बताया गया है कि किसी शख्स को बुखार और ज़ुकाम के साथ सांस लेने में गैर मामूली दुश्वारी का सामना होता है तो ये वायरस की अलामत हो सकती है, जिसके बाद डॉक्टर से राबता या खुद को करंटीना में कर लेना चाहिए। इसके बाद ये भी बताया गया है कि आँखों का सुर्ख होना भी कोरोना वायरस की अलामत है। किंग्स कॉलेज लंदन में की गई हालिया तहकीक के मुताबिक सूंघने और छींकने की सलाहियत से महरूमी कोरोना वायरस की अलामत हो सकती है। कोरोना के मर्ज के शिकार 59% अफराद सूंघने और छींकने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। इस बात पर भी तहकीक की गई है कि आया कोरोना वायरस मोबाइल फ़ोन से भी फैल सकता है या नहीं। मोबाइल फ़ोन से भी कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से एक तहकीक की है, जिसमें इस बात पर गौर किया गया है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोरोना वायरस फैल सकता है। माहिरीन के मुताबिक मोबाइल फ़ोन पर आमतौर पर इंसानी आँख को नज़र न आने वाले जरासीम मौजूद होते हैं। 56% तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया। मोबाइल फ़ोन किस हद तक बैक्टीरिया और वायरस वगैरह की आलूदगी को फैलाने का ख़तरा बन सकते हैं। माहिरीन ने मोबाइल सार्फिन को मशवरा दिया है कि वो अवामी मकामात पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर खबर पर रहे आपकी नज़र।